हेलो दोस्तों, पोको M5 इंडिया में आज ही लॉन्च हुआ है और इसकी जो फर्स्ट सेल है वो होगी 13 सितंबर को। दोस्तों फ़ोन ये काफ़ी अच्छा है और अच्छी प्राइस रेंज पे लॉन्च हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तब तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे ऊपर आपको एक छोटा सा बॉक्स और मिलता है, उसमें है पेपर गाइड और एक सिलिकन का केस, और इसी के नीचे रखा है आपका स्मार्टफोन। इसको रखते हैं फिलहाल साइड में, और यहाँ पर आपको एक टाइप सी डेटा केबल दी गई है और इसी के साथ आपको 22.5 वॉट का एडेप्टर दिया। तो दोस्तों ये तो था बॉक्स कंटेंट, अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके प्रोसेसर की, तो पोको ने इस फोन में हीलियो G99 चिपसेट का यूज़ किया है, जो कि एक 6 नैनोमीटर पे बना चिपसेट है। साथ इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड है वो है माली G57, और दोस्तों इसका जो N22 स्कोर है वो है तकरीबन 3,70,000। तो दोस्तों ऑल ओवर देखा जाए तो ये काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और दोस्तों अपनी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ये गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और दोस्तों मैं इस वीडियो में जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ वो 12,000 से 13,000 की प्राइस रेंज के फ़ोन के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर बहुत ही अच्छा दिया है यहाँ पे पोको ने। दोस्तों 12,000 से 13,000 की प्राइस पे आपको अगर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की बात करें तो उन फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट मिलता है, जिसका N22 स्कोर है तकरीबन 2,90,000। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों पोको M5 की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहने वाली है यहाँ पर। और अब बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इस फ़ोन में लगी है 6.58 इंच की फुल HD+ IPS LCD, जिसकी रिफ्रेश रेट है 90 हर्ज़ और इसकी टच रिस्पॉन्स रेट है 240 हर्ज़, और इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो है 401 PPI, और यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों डिस्प्ले भी ऑल ओवर इसकी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी रिफ्रेश रेट मिलती है, पिक्सल डेंसिटी भी काफ़ी सही है, तो आपको यहाँ डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी, एक्सेप्ट इसकी वाटर ड्रॉप नॉच। बाकी इसकी डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, और इसकी जो रिफ्रेश रेट है वो भी एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, जो कि 30 हर्ज़, 60 हर्ज़ और 90 हर्ज़ के बीच ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो इस फ़ोन की जो रिफ्रेश रेट है वो 60 से 90 हर्ज़ के बीच रहेगी, इससे दोस्तों आपके फ़ोन का पावर कंजप्शन भी कम होगा। और अब बात करें इसके कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जहाँ पे जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का सैमसंग J N1 सेंसर है, जिसका अपेचर है F1.0, और जो सेकेंड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, और जो थर्ड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर है। अब यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं दिया, बाकी कैमरा सेटअप इसका भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आपको सैमसंग का सेंसर दिया गया है, तो पिक्चर क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। और जो सेल्फी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, तो ये यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता था, जहाँ पे अगर पोको 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा का यूज़ करता तो काफ़ी अच्छी डील होती। बाकी ऑल ओवर दोस्तों कैमरा सेटअप इसका काफ़ी अच्छा है, और ये फ़ोन एंड्रॉयड 12 पे रन करता है, और ये फ़ोन 2 स्टोरेज वेरियंट के साथ आता है, एक है 4GB RAM 64GB ROM, और जो सेकेंड है वो है 6GB RAM 128GB ROM, और इसमें जो आपको स्टोरेज देखने को मिलता है वो है UFS 2.2, यानी आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट होगा, रीड राइट की स्पीड आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी यहाँ पे। और इसमें जो रैम है वो है LPDDR X4, और इसके साथ आपको 2GB वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे अपनी रैम को 2GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और अब बात करें इसके बैटरी की, तो इसमें लगी है एक 5000mAh की बैटरी। सिक्योरिटी के लिए दोस्तों इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज़ किया गया है, और इसी के साथ आपको यहाँ पे 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया गया है, और साउंड आउटपुट के लिए यहाँ पे मोनो ऑडियो का यूज़ किया गया है, ना कि स्टीरियो साउंड का, और इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट नहीं दिया गया है और ना ही हाई रेज ऑडियो का, तो यहाँ पे आपको साउंड आउटपुट में थोड़ी सी कमी देखने को। बाकी अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे IP52 की रेटिंग दी गई है। तो दोस्तों अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो बेस वेरियंट है 4GB RAM 64GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है 12,499 रुपये, और जो 6GB RAM 128GB स्टोरेज वेरिएंट है उसकी प्राइस है 14,499 रुपये। इस प्राइस रेंज पे दोस्तों ये काफ़ी अच्छी डील है, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, चाहे बात करें इसके डिस्प्ले की या इसके प्रोसेसर की, तो ये काफ़ी अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। और दोस्तों फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जहाँ पे इसका जो 4GB RAM 64GB स्टोरेज वेरियंट है वो आपको 10,999 रुपये पे मिलेगा, तो आप
डिस्काउंट के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये फ़ोन काफ़ी अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑल ओवर बात करें तो दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसकी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों क्या है आपका ओपिनियन इस स्मार्टफोन के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।